हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। ईद मुबारक टू ऑल माय व्यूअर्स। और आज संडे है, मैं निकली हूँ संडे सुबह मुंबई घूमने के लिए। और आपको अगर मुंबई का ट्रैफिक अवॉइड करना है तो आप संडे सुबह निकलिए, आपको रोड्स ऐसे ही खाली मिलेंगे। मैं जा रही हूँ बैंड स्टैंड, जहाँ मुझे मिला एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़। आप उसे मेरा ईद का गिफ्ट भी कह सकते हो। दिस इज़ बैंड स्टैंड गाइज, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है। एंड स्पेशली जब वेदर इतना ऑसम हो तो बीच पे साइड में वॉक करने में बहुत ही मज़ा आता है। और मैं भी अपनी सुबह की वॉक ही कर रही थी, एंड देयर आई मेट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी, मिस्टर सलीम खान, फादर ऑफ सलमान खान। सच अ हम्बल पर्सन ही इज़। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा और मिलके मुझे उनसे बहुत अच्छा लगा। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। वेल, आई डोंट नो अबाउट इट, बट एक छोटा सा ड्रीम तो आज मेरा इस सिटी ने पूरा किया ही है। एंड आई एम कंटिन्यूइंग माई वॉक ऑन बैंड स्टैंड। और यहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड यू कैन सी द हाउसेज ऑफ अदर बिग सेलिब्रिटीज़। बट समुंदर इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा मन ही नहीं किया कैमरा उस साइड घुमाने का। वेदर इतना ऑसम था कि मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, सो आई प्लान टू गो टू द अनदर बीच, दैट इज़ जुहू बीच। लेकिन उससे पहले इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन में डेकोरेशंस बहुत सुंदर हुए हुए थे फ्लावर के। आज एकादशी भी थी तो शायद उस वजह से भी, और वैसे जगन्नाथ भगवान जी को बिठाए हुए थे उन्होंने तो डेकोरेशंस देखने वाले थे। और वैसे भी इस्कॉन का एक अलग ही एम्बियंस होता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। और दूसरी तरफ हरी बोल के भजन चल रहे थे और पीपल वर डांसिंग, एंजॉयिंग, सेलिब्रेटिंग। वेल, दिस इज़ मुंबई ऑल अबाउट, अ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ईद थी, पीपल वर सेलिब्रेटिंग ईद ऑन द रोड, दे वर एंजॉयिंग द ईद फेस्टिवल। यहाँ मैं इस्कॉन आई तो यहाँ एक अलग सेलिब्रेशन चल रहा था। संडे था तो चर्चेस भी कम्प्लीटली फुल थे और समुंदर तो अपने उफान पे था ही। ये पिक्चर्स जुहू बीच की हैं। वेल, दिस इज़ हाउ एंजॉयड माय संडे मॉर्निंग। आई होप योर्स इज़ ब्यूटीफुल टू। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, कमेंट बिलो एंड लाइक द वीडियो। वेल, मेरा संडे अगर ट्रूली किसी ने आज हैप्पी किया है तो वो है मिस्टर सलीम खान। सच अ सिंपल, स्वीट एंड हम्बल पर्सनालिटी ही इज़, एंड ट्रूली अ ग्रेट पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।